आज की जो हमारी टॉपिक रहेगी बिहार स्पेशल में हम लोग केजीएस का करंट अफेयर्स देख रहे थे। ये टॉपिक जो है हमारी अप्रैल की है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने, ठीक है, जनवरी से लेके मार्च तक का, ठीक है, जैन से लेके मार्च तक का हम लोगों ने करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है, ठीक है। यूट्यूब पे इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, 3x3 टोटल 9 वीडियोज है, ठीक है। 9 वीडियोज में आपका जनवरी से लेकर मार्च तक का करंट अफेयर्स को पूरे तरीके से, ठीक है, कंप्लीट किया गया है। अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग अप्रैल के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल की करंट अफेयर्स। इसको भी कोशिश करेंगे 3 वीडियो में समाप्त करेंगे, ठीक है। पोषण पुनर्वास केंद्र, ठीक है, पहला टॉपिक जो है पोषण पुनर्वास केंद्र को लेकर है। पिछले 1 साल में कमजोर बच्चों को अस्पतालों में पोषण पुनर्वास केंद्र में भेजने में लापरवाही हुई है, ठीक है। तो पिछले 1 साल में कमजोर बच्चों को अस्पतालों से पोषण पुनर्वास केंद्रों में भेजने में लापरवाही हुई है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट इसके संदर्भ में क्या है उसको भी जरा समझते हैं। तो वर्ष 2022 में यूनिसेफ ने स्वास्थ्य विभाग को ओपीडी में आने वाले कमजोर और कुपोषित बच्चों को ठीक होने के बाद पोषण पुनर्वास भेजने की सलाह दी थी। किसने सलाह दिया था कि बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भेजा जाए? किसका सलाह था? यूनिसेफ का सलाह था। किसका था? यूनिसेफ का सलाह था। जो भी बच्चे आते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग को ओपीडी में आने वाले जो कमजोर और कुपोषित बच्चे हैं उनको ठीक होने के बाद उसको कहाँ भेजना चाहिए? तो उनको पोषण पुनर्वास केंद्र में भेजने की सलाह देते हैं। अब आपको पोषण पुनर्वास केंद्र क्या है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसके बारे में जरा हम लोग समझते हैं। यह एक प्रकार का सुविधा आधारित देखभाल केंद्र है, ठीक है। पोषण पुनर्वास केंद्र की बात करेंगे तो क्या है, तो ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का क्या है, सुविधा आधारित देखभाल केंद्र है। इसको अगर आपको समझना है, जहां क्या होता है, जहां माँ और बच्चे दोनों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन और दवाएं मिलती है। तो पोषण पुनर्वास केंद्र जो बिहार में, वहां पे किस प्रकार का कार्य होता है क्या बताएंगे? माँ और बच्चे दोनों का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्यवर्धक भोजन और दवाएं दी जाती है। मुख्य रूप से क्या है, तो यहाँ पे सुविधा आधारित देखभाल केंद्र है। कौन से बच्चे जा सकते हैं इसको जरा ध्यान में रखना है। तो यह परियोजना 6 महीने से 8 महीने की उम्र के उन बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है जो गंभीर तीव्र कुपोषित है। तो जो बच्चे को जहाँ पे सहायता प्रदान की जाती है उसकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, ठीक है, 6 महीने से लेकर कितने, 8 महीने तक। इस बच्चे को आठ महीने इन्फेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इन्फेंट बोला जाता है, ठीक है। इन्फाइन तो 6 महीने से लेकर 8 महीने तक की जो उम्र के जो बच्चे जो होते हैं उनको यहाँ पे सुविधा प्रदान की जाती है। जो किस प्रकार के रोग से ग्रसित है, तीव्र कुपोषित रोग है, ठीक है। इन बच्चों को पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही मतलब क्या होती है, अस्पताल से मतलब क्या होती है, छुट्टी दी जाती है। जब बच्चे जब पूरी तरीके से ठीक होते हैं तब जाके उनको मतलब क्या होता है, अस्पताल से मतलब क्या होती है, छुट्टी दी जाती है। ये केंद्र जो है केवल बच्चों के लिए ही नहीं, बच्चों के साथ साथ किसके लिए है, माता को लेकर भी है, ठीक है। माताओं को पोषण, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता आदि में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो माताओं को पोषण में, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता आदि में क्या होता है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बिहार में पोषण पुनर्वास केंद्र का संचालन कौन करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। निदान, ये निदान क्या है, एनजीओ है। क्या है ये? एनजीओ है। एनजीओ का फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो बिहार में पोषण पुनर्वास केंद्र का संचालन कौन करता है, तो क्या बताएंगे, निदान के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? निदान के द्वारा। मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रिंट आउट निकाल के रखा है इसका तो आप क्या कीजिए, वहां पे हाईलाइट कीजिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिहार में पोषण पुनर्वास केंद्र का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो क्या बताएंगे, निदान निदान के द्वारा, ठीक है। बिहार में अनुमानित 9,74,610 बच्चे या कुल बच्चों का 8.33%, ठीक है, कुल बच्चों का कितने प्रतिशत बच्चे की बात करेंगे जो कुपोषण से प्रभावित है, 8.33 8.33% की बात करेंगे बच्चे जो है कुपोषित से, मतलब कुपोषण से प्रभावित है, जिनसे उनकी मृत्यु का खतरा मतलब क्या होता है, सर्वाधिक होता है, ठीक है। इस पहल से मतलब किसको मदद मिलेगी, तो इस पहल से उन बच्चों को मदद मिलेगी जो अति गंभीर कुपोषण से प्रभावित है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन सा पहल है, पोषण पुनर्वास केंद्र, ठीक है। इसमें बच्चे का कौन, किस उम्र के बच्चे इसमें जाते हैं, देखिए ये बच्चे देख रहे कितने कुपोषित है, ये देख रहे हैं ना, किस उम्र से के बच्चे जाएंगे इसमें, 6 से 8 महीने के बच्चे। 8 महीने और ये जो पहल जो चलाई जा रही है, इस पहल का देखभाल करने के लिए कौन सी एजेंसी है, क्या नाम तो बताया मैंने उसका, निदान निदान। अब बिहार में कितने प्रतिशत बच्चे जो है कुपोषण से प्रभावित है, तो क्या बताएंगे, 8.33 बिल्कुल 8.33% बच्चे की बात करेंगे तो क्या है, कुपोषण से क्या है ये प्रभावित है, इसको जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे फैक्ट को देखते हैं, ठीक है। बिहार द्वारा सड़क निर्माण और मरम्मत में एआई का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो बिहार में
बिहार में सड़क निर्माण और मरम्मत में किसका प्रयोग किया जा रहा है, क्या बताएंगे? तो एआई का उपयोग किया जा रहा है। किसका उपयोग किया जा रहा है? एआई का उपयोग किया जा रहा है। हाल ही में प्रौद्योगिकी के आधार पर पहली बार बिहार के सड़क निर्माण विभाग ने प्रखंड स्तर पर सड़कों के निर्माण के लिए एआई का उपयोग करने का निर्णय लिया है। मतलब प्रखंड स्तर पर आप देखोगे बिहार में जो सड़क का जो निर्माण जो हो रहा है उसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है? एआई का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब इनसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उनके बारे में हम बात करेंगे। प्रत्येक प्रखंड में कितने किलोमीटर सड़क की निगरानी एआई से की जाएगी? 60 किलोमीटर। बिल्कुल 60 किलोमीटर डाटा महत्वपूर्ण है। 60 किलोमीटर सड़क की निगरानी किसके माध्यम से की जाएगी? एआई। एआई के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, एआई निगरानी के लिए वाहन आधारित मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, एआई निगरानी के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? वाहन आधारित मोबाइल एप्लीकेशन का। सड़क ऑडिटिंग वाहन द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा सड़क ऑडिटिंग होगा? वाहन के द्वारा सड़क ऑडिटिंग होगा। और फिर एआई सभी ऑडिटेड रिपोर्टों का चित्रों में परिवर्तन कर देगा। ठीक है, जितने भी ऑडिट रिपोर्ट आएगा ना सबको क्या करेगा एआई, क्या करेगा? चित्र में उसको परिवर्तित कर देगा। और एआई के माध्यम से क्या पता चलेगा? तो एआई आधारित प्रणाली गड्ढा हो गया, दरार हो गया, अन्य खतरों की पहचान करने के लिए इमेज रिक्रिएशन और मशीन लर्निंग का उपयोग करेगा। ठीक है, अब एआई के माध्यम से क्या पता चलेगा कि कहाँ आप सड़क पे गड्ढा है, दरार कहाँ पे है, अन्य खतरा कहाँ पे, इन सारे को मतलब ढूंढने के लिए ठीक है एआई क्या करेगा? हेल्प करेगा। इन प्रणालियों में एकत्र किए गए डाटा का उपयोग सड़क रखरखाव योजना, सड़कों की स्थिति आदि को ट्रैक करने के लिए भी किया जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है बिहार में सड़क का जो निर्माण हो रहा है उसमें एआई का प्रयोग किया जा रहा है। और किस प्रकार का सड़क? जिला स्तर, राज्य स्तर या फिर प्रखंड स्तर का सड़क, तो क्या बताएंगे? प्रखंड स्तर। बिल्कुल प्रखंड स्तर के शहर में प्रयोग किया जा रहा है। अब प्रखंड स्तर की शहर की बात, कितने किलोमीटर सड़क की निगरानी एआई के द्वारा की जाएगी, तो क्या बताएंगे? 60 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिए 60 किलोमीटर ये महत्वपूर्ण है। मतलब क्या होगा, गाड़ी रहेगा, ठीक है, गाड़ी जो रहेगा वो पूरे 60 किलोमीटर का भ्रमण करेगा। वो गाड़ी जो होगा एआई या सड़क ऑडिटिंग वाहन के द्वारा, और फिर एआई ऑडिट रिपोर्टों को चित्रों में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, वो गाड़ी जो ऑडिट करेगा, जो रिपोर्ट जो आएगा ऑडिट करने का, और उसको चित्र में क्या करेगा, उसको परिवर्तन कर देगा, और उसमें ढूंढेगा से कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे क्या, उसके बाद उस सड़क का निर्माण किया जाएगा। अन्य पहल की बात करेंगे तो बिहार ग्रामीण सड़क रखरखाव नीति 2018, बिहार ग्रामीण सड़कों में रखरखाव और मरम्मत पे एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के कई मानदंडों का उपयोग करता है। अनुरक्षण मोबाइल ऐप भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण सड़कों में ऑनलाइन निगरानी के लिए मोबाइल ऐप का प्रयोग होता है। तो अनुरक्षण मोबाइल ऐप का प्रयोग किस काम के लिए होता है, तो क्या बताएंगे? तो ग्रामीण सड़कों की ऑनलाइन निगरानी के लिए इस मोबाइल ऐप का प्रयोग होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जरदालू आम, क्या जरदालू आम को बिहार का जीआई टैग मिला है? मिला है कि नहीं मिला है? मिला है ना? मिला है। तो किस जिला को मिला है जरदालू आम का जीआई टैग? भागलपुर। ठीक है, भागलपुर को मिला है। ठीक है, भागलपुर को जिला के लिए जरदालू आम को ठीक है जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो जरदालू आम के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रश्न बनता है कहाँ पे किया जाएगा, तो बिहार के भागलपुर के शाहकुंड में। ठीक है, ध्यान में, कौन सा जगह? साहकुंड। शाहकुंड, क्या नाम है जगह का नाम? जगह का नाम मार्क कीजिए, क्योंकि बीपीएससी ने पिछला बार बहुत सारे जगह का नाम पूछ लिया था, छोटे छोटे जगह का नाम, जिला का नाम नहीं पूछता, जगह का नाम पूछ लेता है। मतलब चार जगह का नाम दे देगा, चारों का चारों एक ही जिला में होगा। तो बिहार सरकार ने भागलपुर के शाहकुंड में जरदालू आम के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। किस स्थान पे किया है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शाहकुंड में। कहाँ पे? भागलपुर। भागलपुर के शाहकुंड में। कुछ फैक्ट है इसके बारे में जान लेते हैं। चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार में जरदालू आम के लिए उत्कृष्टता केंद्र प्रस्तावित है। चौथे कृषि रोड मैप का समय काल बताइए, कब से कब तक है? बिल्कुल 23 से लेकर क्या है 28 तक है। ठीक है, और ये चौथा कृषि रोड मैप के अंतर्गत बिहार में जरदालू आम के लिए क्या था, तो एक उत्कृष्टता केंद्र प्रस्तावित था। इस उत्कृष्टता केंद्र में नेट शेड और पॉली हाउस भी स्थापित किए जाएंगे, जिसमें फल को कृत्रिम वातावरण में उगाया जा सकता है। समझ रहे हैं, मान लीजिए आम कब उगेगा, गर्मी के मौसम में ही उगेगा, लेकिन अगर आम को अगर ठंडा में उगाना है तो फिर भी आप उगा सकते हो, लेकिन उसको उस तरह का मतलब क्या देना पड़ेगा, वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस उत्कृष्टता का नेट से शेड नेट होगा, पॉली हाउस भी होगा। मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ, आप मुजफ्फरपुर में, हम लोग कभी कभी रोहुआ में लीची अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, तो वहां पे ठंडा के मौसम में भी लीची होता है। ठीक है, मतलब दिखते रहता है, तो वैसा वो लोग टेम्परेचर क्रिएट कर देता है, तो किसी भी मौसम में वहां पे आप लीची देख सकते हो। तो यहाँ पर भी नेट शेड नेट और पॉली हाउस स्थापित किए जाएंगे, इससे फल को कृत्रिम वातावरण में उगाया जा सकता है।
ये सीओई किसानों के लिए ज्ञान और कौशल केंद्र के रूप में भी काम करेगा, किसानों को नई तकनीक का प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा, यहाँ जर्दालु आम पे शोध किया जाएगा ताकि गुणवत्ता में मतलब क्या हो सके और भी अधिक सुधार हो सके। आप जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जर्दालु आम के बारे में हम लोग देखते हैं, जर्दालु आम को बिहार का जीआई टैग मिला है, बिहार में आम को भी जीआई टैग मिला है, बिहार में लीची को भी जीआई टैग मिला है। तो कौन से लीची को जीआई टैग मिला है बिहार में? शाही बिल्कुल, शाही लीची को बिहार में क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, ठीक है, मुजफ्फरपुर का शाही लीची। अब भागलपुर के जर्दालु आम को कब जीआई टैग मिला? तो 2018 में इसको जीआई टैग मिला। कब मिला? तो 2018 में इसको जीआई टैग मिला। फाइबर एंजाइम से भरपूर होता है, पाचन तंत्र के लिए लाभकारी होता है। अब वर्ष 2021 में पहली बार व्यावसायिक तौर पर ब्रिटेन को निर्यात किया गया, तो 2018 में इसको जीआई टैग मिलता है। अब 2021 में आप देखोगे तो इसको व्यावसायिक तौर पर किस देश को निर्यात किया गया, क्या बताएंगे? ब्रिटेन ब्रिटेन को निर्यात किया गया। किस देश को निर्यात किया गया? ब्रिटेन को निर्यात किया गया। जर्दालू आम किस लिए फेमस है? अपनी अत्यधिक मिठास और बेहतरीन स्वाद के लिए जर्दालू आम जाना जाता है, ठीक है। तो बताइए तो किस जगह पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है जर्दालू आम के लिए, क्या बताएंगे? भागलपुर में। साकुन बिल्कुल, शाहकुंड। चलिए आप हमें ये बताइए जर्दालू आम को जीआई टैग कब मिला है, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, 2018 में जर्दालू आम को क्या मिला है? तो जीआई टैग मिला है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। बिहार में और भी फसल के लिए आपको उत्कृष्टता केंद्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे है? तो चंडी। चंडी कहाँ पे पड़ता है? नालंदा में मिलता है। नालंदा जिला सब्जी उत्पादन में प्रथम नंबर पे है, तो नालंदा चंडी में सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। तो बिहार में किस जगह पे सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र आपको मिलेगा, तो क्या बताएंगे? चंडी नालंदा चंडी में, चंडी नालंदा में मिलेगा। और ये जो उत्कृष्टता केंद्र है, जो बिहार में सब्जी के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया, किसके सहयोग से किया गया है? इजराइल इजराइल के सहयोग से, ठीक है, इजराइल के, भारत इजराइल के सहयोग से खोला गया है, ठीक है। वैशाली में आम और लीची के लिए उत्कृष्टता केंद्र है, ठीक है, ये भी किसके सहयोग से खोला गया है? भारत और तो इजराइल बिहार में आप देखोगे उत्कृष्टता केंद्र कहाँ कहाँ पे, नालंदा में, वैशाली में और भागलपुर में। भागलपुर में जर्दालू आम के लिए, चंडी नालंदा में सब्जी के लिए, वैशाली में आम और लीची के लिए, ठीक है। ये क्या है? जी तीन जगह पे बिहार में आपको क्या देखने को मिलेगा? उत्कृष्टता केंद्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर। और सर, जर्दालू आम को जीआई टैग कब दिया गया? 2018। दस कितने वर्षों के लिए जीआई टैग मिलता है? वर्षों बिल्कुल, 10 वर्षों के लिए 10 वर्षों के लिए क्या होता है? जीआई टैग मिलता है, आप इसे याद रखेंगे। पेइंग गेस्ट हट, पेइंग गेस्ट हट क्या है? राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने पेइंग गेस्ट हट पहल की शुरुआत की, जिसमें पर्यटन स्थलों के नजदीक बसे गांवों में पेइंग गेस्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखिए बिहार में बहुत सारा पर्यटन स्थल है, लेकिन उसके आसपास में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। अब बोलोगे सही सा क्या हो, तो मान लीजिए आपको राजगीर में जाना है, कहीं पे घूमने जाना है, तो आप देखोगे राजगीर का बहुत ऐसा जगह जो है जो कि मतलब शहर से थोड़ा दूर है लेकिन घूमने वाला है, लेकिन आसपास में देखेंगे कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जो टूरिस्ट जो आते हैं उनको मतलब क्या होता है, आवागमन के लिए बड़ा दिक्कत होता है। मतलब वो रहेंगे दूर शहर में, वहां से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जा रहे, तो आसपास में ही, मतलब गवर्नमेंट का प्लान क्या है, जो टूरिस्ट प्लेस है उसके आसपास में ही मतलब क्या करो से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़ा डेवलप नहीं हो सकता क्योंकि कंस्ट्रक्शन उस हिसाब का नहीं है। तो रहने वगैरह के लिए पेइंग गेस्ट की सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जा रही है पर्यटन स्थल के नजदीक बसे गांवों में, इसका उद्देश्य क्या होगा? तो बिहार में पर्यटन स्थलों के निकट बसे सभी गांवों का मतलब क्या करना है? विकास करना है। क्योंकि देखिए पर्यटन स्थल कभी भी होता है ना, जैसे बहुत शहर के एकदम बीचों बीच नहीं होता है, थोड़ा साइड में होता है। खास करके जो मतलब प्राकृतिक पर्यटन स्थल जो होगा ना, वो हमेशा शहर से मतलब क्या होगा? दूर होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इस योजना के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, बल्कि सरकार द्वारा ग्रामीणों के झोपड़ी बनाने और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। कोई वित्तीय सहायता की बात करें इस योजना की तरफ तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो ग्रामीण का जो झोपड़ी जो होगा, सरकार द्वारा ग्रामीणों को झोपड़ी बनाने और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने संभावित गांव का मैपिंग कर लिया, मतलब उस गांव को चुन लिया गया है, तो कौन कौन से गांव है जहां पे इस प्रकार की सुविधा मतलब क्या की जा सकती है, प्रदान की जा सकती है, वैसे गांव का मतलब क्या हुआ है, तो वैसे गांव का मतलब क्या होगा? चुनाव हो गया है, ठीक है। ग्रामीणों ने पेइंग गेस्ट की अवधारणा और इससे जुड़े लाभों के बारे में अवगत कराया। पेइंग गेस्ट पहले समझते हैं क्या होता है, पैसा दे के रहना।
हाँ ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आज चले गए दिल्ली चले गए, ठीक है सपोज डेट हम चले गए दिल्ली, दिल्ली में हमको 5 दिन रहना है, ठीक है। अब दिल्ली में होटल लेने जाएंगे तो भाई 2,000 रुपया गुने 5, ठीक है 10,000 रुपया का होटल हो गया, और प्लस खाने में भी हमारा प्रतिदिन 500 रुपया भी अगर खर्चा होता है तो 2,500 रुपया हो गया खाने में खर्चा हो गया, ठीक है तो काफी लंबा हो गया। लेकिन अब दिल्ली में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका घर बहुत बड़ा बड़ा है और रहता कोई नहीं है, कोई घर खाली है, तो बोल दिए सर मतलब वो लोग क्या करेंगे, पेइंग गेस्ट के तौर पे देंगे, मतलब 4 दिन 5 दिन रहने के लिए अपना घर को उपलब्ध करवाते, सारी सुविधाएं उनके पास होती है, उनके साथ आप डिनर कर सकते हो, उनके साथ आप लंच कर सकते हो, उनके साथ नाश्ता कर सकते हो, और 1,000 रुपया 1,500 रुपया के हिसाब से उनको अपना जोड़ के दे दो, 1,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से, तो सीधे आधा से भी कम पड़ जाता है, अब बिल्कुल घर जैसा माहौल आपको मिल जाता है, उसको पेइंग गेस्ट कहते हैं, मतलब कुछ समय के लिए आप क्या करते हो पे करके आप रहते हो पेइंग गेस्ट। उसी तरह की सुविधा बिहार में भी उपलब्ध करवाई जा रही है, जो कि मतलब जो पर्यटन स्थल से जो सटे हुए गाँव जो है तो वहाँ पर ग्रामीण को बताया जा रहा है पेइंग गेस्ट क्या होता है, अब बाहर के लोग आएंगे अगर उनको रहने के लिए आप जगह आप दोगे तो आपसे उससे प्रॉफिट भी होगा और साथ में आपका विकास भी होगा। ऐसा हुआ था 2007 में जब इंडिया और वेस्ट इंडीज में एक बार क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है तो वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, छोटा सा टापू है, तो वहां पे मतलब आप देखोगे तो कहीं पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, होटल नहीं था, तो वहां की सरकार ने बोला सर जितने भी लोग जो है ना सभी लोग अपने घर में मतलब जगह दें, तो सभी लोगों ने अपने घर में मतलब क्या किया टूरिस्ट को रखना मतलब शुरू किया, ठीक है तो इनसे काफी प्रॉफिट भी हुआ उन लोगों का, और साथ में क्या हुआ जो टूरिस्ट जो तो कम समय के लिए गए तो उनका भी काम चल गया, तो बिहार में इसी के लेकर काम किया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए प्रत्येक जिले में 2 पर्यटक स्थलों का चुना गया है, ठीक है तो प्रत्येक जिले में कितने पर्यटन स्थल को चुना गया, इसके लिए पर्यटक स्थल को 2, कितने को 2 को चुना गया, ठीक है। भागलपुर भागलपुर में देखेंगे बटेश्वर स्थान है, भागलपुर में कौन कौन है, बटेश्वर स्थान है और साथ में 3 पहाड़ी, भागलपुर में कौन कौन, स्थान और बटेश्वर तीन स्थान पहाड़ी और 3 पहाड़ी। बांका में कौन सा है, ओढ़नी बार, मंदार पर्वत, ये मंदार पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। पहले मंदार पर्वत के पास में जाके कौन सा बड़ा होटल लगा दोगे, संभव है क्या, वहां का स्ट्रक्चर है मंदार पर्वत के आसपास होटल लगाना, नहीं सर, मंदार अभी पर्वत तो हम भागलपुर से लोग कोई आदमी मंदार, हाँ रोपवे वाला मंदार पर्वत घूमने कोई आदमी आएगा भागलपुर से, देखो तो 2 दिन 3 दिन मतलब कहीं से बाहर से आता, फिर उसको आने जाने में 20 के जी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर लग जाएगा, थक जाएगा वो, और ऊपर से खर्च भी तो उसका होता है, गाड़ी का खर्च 75 हो जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति डायरेक्ट अगर मंदार पर्वत के आसपास में आता वहीं पे अगर उसको रहने के लिए मिल जाए तो थोड़ा रिलैक्स मूड से भी घूम पाएगा, समय भी दे पाएगा, पैसे की भी बचत होगी समय की भी बचत होगी, लेकिन दिक्कत है ऐसे प्राकृतिक स्थल के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप नहीं कर सकते हो। ये मंदार पर्वत के आसपास में जो गाँव जो होंगे उनसे मतलब सरकार क्या कर रही है उसी को मतलब डेवलप करने की कोशिश कर रही है, वहां पे झोपड़ी, ठीक है झोपड़ी को डेवलप करके इस योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है, ठीक है। कौन सा है, झोपड़ी हट, ठीक है झोपड़ी बनाने के लिए मतलब इस योजना का बात चल रही है, ठीक है। मुंगेर में भीम बांध, ऋषि कुंड है, लखीसराय में अशोक धाम है, श्रृंगी पहाड़ है, खगड़िया में बात करेंगे कात्यानी स्थान है, सहरसा में मत्स्य गंध है, मंडन भारती धाम है, मधेपुरा में सिंहेश्वर मंदिर है, बाबा विशु राउत पचरासी धाम है, पूर्णिया में आपको पूरन देवी मंदिर है, प्रहलाद स्थल है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबका नाम आप लोग पढ़ लीजिए, भागलपुर का नाम आप लोग बताइए क्या क्या है जिसको सरकार डेवलप करेगी पर्यटक स्थल को, बटेश्वर बटेश्वर स्थान स्थान तीन 3 पहाड़ी, पहाड़ी ओढ़नी बांध और मंदार पर्वत आपको कहाँ पे मिलेगा, बांका 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 भीम बांध और ऋषि कुंड कहाँ पे मिलेगा, मुंगेर अशोक धाम और श्रृंगी पहाड़ कहाँ पे मिलेगा, लखीसराय खगड़िया कात्यानी स्थान कहाँ पे मिलेगा, कात्यानी स्थान, सहरसा मत्स्य गंध और मंडन भारती धाम कहाँ पे मिलेगा, सहरसा सिंहेश्वर मंदिर और बाबा विशु राउत पचरासी धाम कहाँ पे मिलेगा, मधेपुरा मधेपुरा पूरन देवी मंदिर और प्रहलाद स्थान कहाँ पे मिलेगा, पूर्णिया पूर्णिया बिल्कुल ठीक है, तो ये आपको पूर्णिया में आपको मिलेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे का करंट अफेयर्स को भी थोड़ा हम लोग देखते हैं, ठीक है 10 मिनट अभी बाकी है क्लास। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हेतु पहल किया जा रहा है, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करेंगे तो एजुकेशन के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत ही ज्यादा मतलब क्या है चरचर स्थिति में है, ठीक है। तो बिहार में जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों से जोड़ा जाएगा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में डॉक्टर्स मेंटिंग प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। तो बिहार में स्वास्थ्य सुविधा में सुधार है तो कुछ पहल किया गया है, कौन सा पहल है, तो जितने भी जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल समझते हैं ना किसको बोलते हैं, जी सर, तो जिला में होता है सदर अस्पताल, सदर अस्पताल अस्पताल कहा जाता है, ठीक है क्या बोला जाता है, सदर अस्पताल होता है, ठीक है।
देखिए, एक सदर अस्पताल होता है, एक मेडिकल होता है, ठीक है। मेडिकल बड़ा अस्पताल और हर जिला में एक सदर अस्पताल होगा, लेकिन मेडिकल सब जगह पे नहीं होता है। मेडिकल आपको सभी जगह पे आपको नहीं मिलेगा। जैसे मुजफ्फरपुर में सदर अस्पताल के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी, श्री कृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज है, तो सभी जिला में आपको मेडिकल कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए जिला अस्पताल जो है उसको क्या करेंगे, मेडिकल कॉलेज से क्या कनेक्ट। मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, वहां पर मतलब डॉक्टर के छात्र, मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले छात्र भी होते हैं, इलाज भी होता है, ऐसा नहीं है। तो साथ में मेडिकल कॉलेजेस इनको जोड़ देंगे, और साथ में डॉक्टर्स के लिए कौन सा प्रोग्राम चलेगा, डॉक्टर्स मेंटरिंग प्रोग्राम मतलब शुरू किया जाएगा राज्य में। मेडिकल कॉलेज की सहायता से जिला अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से जिला अस्पतालों के डॉक्टरों को नई तकनीक, नई स्वास्थ्य दिशा निर्देश, आधुनिक दवाओं आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पहली की बात तो मेडिकल का स्थिति बिहार में ठीक नहीं है, तो जिला की क्या स्थिति ठीक होगी, ठीक है। मेडिकल में जाइएगा तो लगेगा कहाँ आ गया, गलती से भी अगर कहीं जाने का मौका मिल गया। क्या चीज पे विशेष ध्यान क्या चीज पे दिया जा रहा है, मुख्य जोर क्या चीज पे दिया जा रहा है, तो शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोरलिटी रेट जो है उसको मतलब क्या करना है, कम करना है। और साथ में नवजात शिशुओं को बेहतर सुविधाएं मतलब क्या करना है, प्रदान करना है। क्या क्या होगा, प्रशिक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा, तो पहले चरण में डॉक्टर को आपातकालीन प्रसव और बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। मतलब इमरजेंसी जो प्रेगनेंसी जो करवाना होता है वो, और बच्चों को जो बेहतर सुविधा के लिए, स्वास्थ्य सुविधा के लिए उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। तो पहला चरण में क्या है, तो आपातकालीन प्रसव और बच्चों को बेहतर सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। दूसरा चरण क्या होगा, तो दूसरे चरण में मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों को प्रत्येक 3 महीने में अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। कौन सा अस्पताल, जिला अस्पताल, और आवश्यकता पड़ने पर मौके पर ही प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। ऑन द स्पॉट मतलब क्या किया जाएगा, मेडिकल कॉलेज के मतलब डॉक्टर जो होंगे और मतलब जिला अस्पताल के जो डॉक्टर्स वगैरह होंगे उनको प्रशिक्षित करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की बात करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग और इंडियन पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर मेंटरिंग प्रोग्राम जो शुरू किया जाएगा किसके द्वारा, तो स्वास्थ्य विभाग और साथ में इंडियन इंडियन पब्लिक पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये व्यवस्था जो है बिहार में स्वास्थ्य सुविधा को सुधारने के लिए फिलहाल किया जा रहा है। अब बिहार सरकार और भी मतलब स्वास्थ्य संबंधी पहल चला रही है, जिसमें मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना है, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य योजना है, जो कि 7 निश्चय योजना 2 का भी मतलब हिस्सा है। वंडर एप्लीकेशन की बात करेंगे, स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित है। अश्विन पोर्टल की बात करेंगे, तो ये भी बिहार में आपको ध्यान में रखना है, स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित है, ठीक है। अब आज का आखिरी टॉपिक जो हमारा कृषि देव ज्ञान ऐप है, ठीक है। कृषि देव ज्ञान क्या है, एप्लीकेशन है, क्या है ये, एप्लीकेशन है, क्या काम करता है, तो कृषि देव ज्ञान ऐप स्मार्ट फार्म प्रोजेक्ट नामक एक पायलट प्रोजेक्ट का प्रशिक्षण, ठीक है, धोबी में किया गया, ठीक है। तो कृषि देव ज्ञान ऐप नामक एक पायलट प्रोजेक्ट का प्रशिक्षण कहाँ पे किया गया, धोबी। धोबी कहाँ पे पड़ता है, धोबी आपको गया गया में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, धोबी आपको गया में पड़ता है, ठीक है। कृषि देव ऐप की बात करिए, इफको द्वारा प्रशिक्षित एक ऐप है, किसके द्वारा है, इफको। कृषि देव ऐप को किसने मतलब इसको विकसित किया है, किसने किया है, इफको ने, किसने किया है, इफको ने विकसित किया है, ठीक है, जो किसानों को फसलों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो कृषि देव ऐप की बात करेंगे तो ये क्या करता है, किसानों के फसल के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो कि इफको के द्वारा विकसित किया गया। क्या किस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर देता है, तो इसमें किसानों के मृदा की नमी, पौधे की पानी की आवश्यकता, रोग कीट और मौसम संबंधी जानकारी 1 सप्ताह पहले ही उनके मोबाइल पे मिल जाती है, ठीक है। 1 सप्ताह पहले किसानों के सारी जानकारी मतलब क्या होती है, इस ऐप के माध्यम से, इस एप्लीकेशन के माध्यम से क्या होता है, दे दी जाती है, ठीक है। किसान अपने खेतों में लगे मोटर पंपों को घर बैठे अपने मोबाइल ऐप से चालू और बंद कर सकते हैं, कि ज्यादा आधुनिक नहीं हो गया, ठीक है। तो किसान अपने खेतों में लगे मोटर पंप जो होता है, ठीक है, अब बिहार में सबसे ज्यादा सिंचाई इसी माध्यम से होती है, मोटर पंप से ही होती है, ठीक है। तो घर बैठे नलकूप जिसको कहते हैं, मोबाइल ऐप से ही मतलब क्या करें, चालू और बंद कर सकते हैं। जल्द ही इस ऐप का पूरे प्रदेश में किसान प्रयोग कर सकेंगे, ठीक है। तो इस ऐप का उपयोग पूरे प्रदेश के किसान कर सकेंगे, ठीक है। तो मुझे आप बताइए, कृषि देव ऐप किसके लिए, तो किसानों के लिए है। किस मतलब किसान को कृषि संबंधी सारी जानकारी मतलब देगी। किस संस्था के द्वारा इसको डेवलप किया गया, तो क्या बताएंगे, इफको इफको के द्वारा। किसान को जानकारी इस ऐप के माध्यम से कितने दिन पहले मिल जाएगी, तो क्या बताएंगे, 1 सप्ताह, एक सप्ताह पहले मिल जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऐप से लाभ क्या होगा, तो ये एप्लीकेशन खेतों में उगने वाले पौधों की सामान्य बीमारी,
का पता लगाएगा और किसानों को मैसेज के साथ साथ कॉल के माध्यम से भी सूचित करेगा, या किसानों के फसल बचाने के समाधान और सुझाव भी देगा। ठीक है, कल के क्लास में जो हमारी टॉपिक होगी, बिहार में बिहार के नहरों के किनारे में क्या लगने जा रहा है, तो सोलर पार्क। ठीक है, पार्क बिहार के नहरों के किनारे क्या लगेगा, सोलर पार्क लगेगा। तो कल हम लोग इस टॉपिक को करेंगे, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, कल के क्लास में इसको पढ़कर सभी लोग आइएगा कल।